ग्वालियर में पड़ोसियों में हुए पथराव और फायरिंग में 13 साल की छात्रा के दोनों पैर में गोली लगी है। गंभीर हालत में छात्रा को जया आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना देर रात की है। घायल छात्रा के पिता पर पड़ोसियों ने फायरिंग की थी। छात्रा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। छात्रा की हालत खतरे से बाहर है। विवाद की वजह एक प्लॉट है। इसे लेकर दोनों पक्षों में तनातनी चल रही थी। भानु प्रताप का आरोप है कि उनके घर के पीछे एक प्लॉट है, इसे कमल किशोर से खरीदा था, लेकिन वह रजिस्ट्री उनके नाम नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर विवाद चल रहा है और इसकी शिकायत उन्होंने थाने में भी की थी। आपको बता दें कि घटना का वीडियो भी सामने आया है, उसमें आरोपी पक्ष गोली चलाते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। महाराजपुरा थाने के सब इंस्पेक्टर सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि शताब्दीपुरम में घटना हुई है। भानु प्रताप की 13 साल की बेटी के पैरों में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। प्लॉट को लेकर विवाद होना बताया जा रहा है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। उसके पिताजी का भानु प्रताप का और बल्लू पटेल पड़ोस में रहता है, उनका जमीनी विवाद चल रहा था। पुरानी रंज उसको लेके बल्लू पटेल उसका लड़का अमन और कुछ अन्य साथियों के साथ उसने इनके घर पर आके कार्रवाई की है, जिससे इसकी लड़की